हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में शब्दार्थ और वाक्य पढ़े, उनका रिवीजन किया। आज हम खाली स्थान का रिवीजन करेंगे। पूरे पांच पाठों के जो फाइव लेसन्स आ रहे हैं ना एग्जाम में, उन फाइव लेसन्स के सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, हम एक एक फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारे देश का नाम डैश है, यहाँ क्या आएगा? हमारे देश का नाम भारत है, यहाँ हम लिखेंगे भारत। हमारे देश का झंडा डैश है, कौन सा है हमारे देश का झंडा? तिरंगा, यहां लिखेंगे तिरंगा। ठीक है, हमारे तीसरा है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, कौन सा पशु है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु? क्या है? बाघ। क्या है? बाघ। पशु क्या है? बाघ, यहां आएगा बाघ। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? डैश, डैश की जगह क्या आएगा? मोर। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छी डैश हो, क्या आएगा डैश की जगह? इंसान हो, एक अच्छी इंसान हो। ये चोट तो डैश हो जाएगी, डैश की जगह क्या आएगा? ये चोट तो छूमंतर हो जाएगी, छूमंतर यानी गायब हो जाएगी। तुम्हारे बालों की पिंडो बहुत डैश है, यहां क्या आएगा? सुंदर है। तुमने सच बोलने का डैश किया, साहस किया। जिराफ की चमड़ी डैश का रंग भूरा होता है, क्या आएगा? का, यहां आएगा का। जिराफ की चमड़ी का रंग भूरा होता है। जिराफ पेड़ों डैश पत्तियां खाता है, जिराफ पेड़ों की पत्तियां खाता है, यहां आएगा की। जिराफ डैश सिर पर दो अनोखे सिंह होते हैं, जिराफ के सिर पर, क्या आएगा यहां? के, यहां आएगा के, जिराफ के। जिराफ दुनिया डैश सबसे लंबा जानवर है, डैश की जगह क्या लिखेंगे हम? जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है, का, यहां आएगा का। रिया कम, अब यहां से जो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो शब्द खाली स्थान हमने यहां जो दिए हैं, उनमें ब्रैकेट में जो शब्द लिखे हैं उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से हमें खाली स्थान करना है। जो ब्रैकेट में लिखे हैं उनके विलोम शब्द हमको यहाँ लिखना है। ब्रैकेट में लिखा है जैसे बाहर, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? उसका विपरीत। रिया कमरे के डैश गई, तो बाहर का विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा? बाहर का उल्टा अंदर, तो यहां पर आएगा अंदर। रिया कमरे के अंदर गई, ठीक है, यहां आएगा उसका उल्टा। रिया को खेलता देख शीनू को डैश लगा, और ब्रैकेट में है बुरा, तो बुरा का उल्टा क्या होता है? अच्छा, है ना, तो शीनू को अच्छा लगा। सब बच्चों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, खोली का उल्टा क्या होगा? बांधी, खोलना बांधना, यहां लिखेंगे बांधी। आवाज सुनकर गेंद को पकड़ पाना सरल का उल्टा क्या होता है? कठिन, है ना, यहां आएगा
ही कठिन था। आवाज सुनकर गेंद को पकड़ पाना कठिन था। अब रिया रोज डैश को गेंद से खेलती। सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम। तो यहाँ आएगा रोज शाम को गेंद से खेलती। तो बच्चों ये सारे रिक्त स्थान बुक के इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान से भरना है। इसके अलावा भी बुक में से भी कुछ सेंटेंस का खाली स्थान बनाया जा सकता है, तो आपको लेसन भी याद रहेगा तो आप उसको भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से खाली स्थान की प्रैक्टिस आपको करना है। हम एक बार फिर से मैं सारे रीड कर रही हूँ, ध्यान से उनके आंसर सही रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छी इंसान हो। ये चोट तो छू मंतर हो जाएगी। तुम्हारे बालों की पिन तो बहुत सुंदर है। तुमने सच बोलने का साहस किया। जिराफ की चमड़ी का रंग भूरा होता है। जिराफ पेड़ों की पत्तियां खाता है। जिराफ के सिर पर दो अनोखे सिंह होते हैं। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। रिया कमरे के अंदर गई। रिया को खेलता देख शीनू को अच्छा लगा। सब बच्चों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। आवाज सुनकर गेंद को पकड़ पाना कठिन था। अब रिया रोज शाम को गेंद से खेलती। ठीक है बच्चों, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब मैं कुछ इन्हीं पर आधारित या कुछ अलग से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ आपको, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, वो अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, ठीक है बच्चों। ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, और लिखकर मुझे सेंड कर देना। आवाज सुनकर गेंद को पकड़ पाना डैश था। पूरे पूरे लिखना है आपको, है ना, पूरा वाक्य पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप। भारत की डैश उड़ाएंगे। जिराफ पेड़ों डैश पत्तियां खाता है। ये चोट तो डैश हो जाएगी। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ये 5 आप लिखिए, इनके उत्तर सही मुझे लिखकर सेंड कर दीजिए, ठीक है। कल हम एक शब्द में उत्तर दीजिए का रिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय।